एमपी में बाढ़ के साथ साथ बर्बादी का एक मंजर सामने आया है। ग्वालियर चंबल तो बाढ़ में डूबे नजर आ रहे हैं, दर्जनों गांवों के हजारों लोग तो देखते ही देखते पानी में समा गए। नदियों पार पर बने 6 पुल पत्तों की तरह टूटते और बहते लोगों के कैमरे में कैद हैं। बता दें, बांधों के गेट खोले जाने के बाद सिंध और सीप नदी का पानी 6 पुलों को अपने साथ बहा ले गया। इन 6 पुलों में से 4 पुल का निर्माण शिवराज सरकार में हुआ था। ये पुल लगभग 3,000 करोड़ रुपए से बने थे, जो अब पानी हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से एक पुल का निर्माण तो करीब अभी 4 साल पहले ही हुआ था। मंगलवार को पहले सिंध नदी की तेज धार में गोरा घाट के नज़दीक लॉन्च का पुल और रतनगढ़ वाली माता मंदिर का पुल बह गया। इसके बाद बुधवार को दतिया जिले में सिंध नदी पर बने सेवड़ा और इंदुरखी पुल बह गए। बुधवार को ही सीप नदी पर बने श्योपुर मानपुर और श्योपुर बड़ौदा मार्ग के 2 पुल बाढ़ के चपेट में आ गए। उधर नरवर पर ग्वालियर को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा भी बुरी तरह बीमार हालत में है। इन पुलों का निर्माण अवधि देखी जाए तो 2 ही ऐसे हैं जो पुराने हैं। करोड़ों रुपए खर्च के हाल के बाद भी पुल के इस तरह धराशायी होने को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अनूप मिश्रा ने भी सरकार इन हालातों का जवाब मांगा था। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा था कि रोड धसक गए हैं, बांध टूट गए हैं, इसके लिए उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने यह पुल बनाए, क्योंकि आज पुराने पुल खड़े हैं और नए पुल टूट गए हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेश के दतिया जिले में बारिश से रतनगढ़ लॉन्च के बाद अब सनकुआ के पुल बहने की घटना बेहद गंभीर व चिंताजनक है। कुछ ही वर्षों पूर्व करोड़ों की लागत से बने ये पुल बारिश के पानी में पत्ते की तरह बह गए। कैसा निर्माण कार्य, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो, जवाबदेही तय हो।